जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज। जो किसी से मिली थी उनकी बातें सुनी तो मतलब एक लर्निंग है वो हम सबके लिए, मुझे ऐसा लगा। मैंने कुछ महीने पहले लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक स्टार्ट किया था, तो मैंने शायद दो ही चैप्टर उसके पढ़े थे और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले, आई गेस लाइक कपल ऑफ वीक बैक, कोई आंटी थे, उन्होंने मुझे मतलब सत्संग के साथ शेयर किया था कि मैं वो बुक पढ़ती हूँ। तो मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि ये बुक तो मैंने सुनी हुई है कहीं पे, कौन सी है। तो मैंने वो बुक देखी तो तब मुझे याद आया कि ये तो मैंने दो चैप्टर पढ़े थे, छोड़ दिया, बट अब मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया वो। तो उसमें बहुत चीजें मतलब मुझे समझ आ रही हैं बिना कुछ एग्जाम्पल्स के जो उसमें हैं। तो बट जब जो मैं बात बताने जा रही हूँ, एक नॉन है मेरे, उनकी बात है, वो उनकी सुन के मैं उस बुक से रिलेट करती हूँ कि मतलब जो उधर लिखा है या जो वो बता रहे हैं वो एक्चुअल है। अभी तक हम बड़ों से सुनते हैं कि पुराने कर्म होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है यहाँ पे, कुछ कम हो जाते हैं कुछ ज्यादा, बट जिसके जो लिखे हैं उसको भुगतने ही भुगतने हैं वो। और वो कैसे भुगतना है, कैसे उसको वो भगवान या गुरुजी जानते हैं कि वो कैसे होता है। तो मेरी वो जो नोन है वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, और मतलब बहुत क्लोज भी नहीं कहूंगी, है अच्छे फ्रेंड है वो लोग। तो हम लोग गुरुजी के सत्संग के लिए जा रहे थे एक थर्सडे को, तो उन्होंने आना था घर पे, तो उन्होंने फोन किया सिस्टर को, वो बोले कि मैं तो गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि तू कब से गुरुजी को मानने लगी। वो कहते कि मेरी सिस्टर है वो मानते हैं, मैं उनको लेके जा रही हूँ ड्राइव पे। तो मतलब मेरी सिस्टर एक तरीके से मेरी सेवा करती है, मुझे लेके जाती है वहां पे। तो उनका मतलब एक होता है ना कि कनेक्शन नहीं उनका बन पा रहा जैसा मेरा है, बट वो मेरे को हमेशा लेके जाते हैं वहां पे, बैठते हैं सुनते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो रख दिया। फिर वो आए एक अगले दिन, 2 दिन बाद मिले हम फर्स्ट टाइम, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, फर्स्ट टाइम मिले हम, बात बात की खत्म हो गया। थोड़े दिन के बाद, 4-5 दिन बाद वो दोबारा आए एंड दे सेड के मुझे लवली से मिलना है इसलिए मैं आई हूँ। उन्होंने मेरी सिस्टर को सीधा बोला कि मुझे लवली से मिलना है, पता नहीं क्यों। तो उस दिन मेरा अभी की शायद अभी ये जो सावन का फास्ट मंडे पीछे गया है, संडे को गया है ना फास्ट, 2 अगस्त को जो भी था, 2 को, तो उस दिन मेरा शिवरात्रि का फास्ट था सावन वाला। तो वो उस दिन आए थे कि लवली से मिलना है। तो मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे हेडेक हो रहा था, बट स्टिल उन्होंने बोला नीचे आ जाओ, तो मैं आ गई। तो वो बात करते 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 बात, उन्होंने ऐसी बातें मुझे बताई अपनी, जब उन्होंने मेरी सिस्टर से कभी शेयर नहीं की वो चीजें कभी भी। वो बैठते हैं, बात होती है, कहती पता नहीं तेरे सामने क्यों मैंने बोल दी और कैसे निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है उनकी वो पर्सनल चीज है, नाम नहीं है, बट ऐसा है इस दुनिया में। मतलब वो मुझे अजीब लगा, मतलब मैं डर गई उनकी स्टोरी सुन के। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ऐसे लोग जब मिलते हैं ना आपको लाइफ में, तो ये लगता है कि मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने हमको इतना ब्लेस किया कि हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सिर से पैर तक सब कुछ है हमारे पास। तो उन्होंने बताया मुझे, मतलब आई एम सॉरी टू एवरी वन, गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता, अंदर से आया सुनाना, मुझे कुछ और सत्संग था, पता नहीं ये कैसे मेरे माइंड में आ गया कि पहले मैं ये बताऊं। तो गुरु जी माफी अगर है, बताने लायक है या नहीं है, बट स्टिल मैं बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे, शी इज सिंगल मदर, उनका छोटा जैसे उनकी बेटी थी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और वो शुरू से ना पूजा पाठ में बहुत है। तो वो पहले से ही जैसे महामृत्युंजय जाप करके उसकी आहुति देना, गायत्री मंत्र करना, बचपन से ये छोटा छोटा मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट का वो करते थे अपने शादी से पहले भी, छोटे होते थे। मतलब पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में है उनकी। शादी के बाद आई गेस 1 ईयर भी नहीं उनका रिलेशनशिप चला, बेटी के बाद सेपरेट हो गए, और सोचो ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं दिया उनको, सिंगल पैनी, बट उनका जो पूजा का सामान था, जो हवन कुंड था, जो लोटा या जो भी चीजें थी, सिर्फ वो उस लड़की को मिला। तो मतलब वो शुरू से पूजा पाठ इतना करती थी, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया, मतलब इवन बेडशीट भी नहीं दी होंगी, लेकिन उसको उसकी पूजा का सामान वापस दे दिया कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको पकड़। तो वो बहुत खुश थी कि मतलब जिस हवन कुंड में उसने हवन किए हैं 20 साल 25 सालों से, वो उसको वापस मिल गया। और अब मैं उसको फील करती हूँ कि उस हवन कुंड की कितनी अच्छी एनर्जी होगी जो उसने 20 साल से उसके अंदर हवन किए हैं और वो उसको मिल गया। तो मैं उसकी वैल्यू समझ पा रही थी अब।
तो उसने बताया, कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, सेपरेट होना तो जस्ट छोटी बात है। देन उसने मुझे बताया कि मैं रहती थी यहाँ पे और अकेली थी कोविड टाइम में, मैं और मेरी बेटी जैसे बाहर QFC या कहीं पे भी ग्रोसरी करने चले गए कुछ, तो ना एक होमलेस बंदा वहां पे बैठता था, जैसे स्ट्रीट साइड में बैठ जाते हैं हम लोग को पता है, तो वो जाती थी, उसने उस बंदे ने उसको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। वो इस सोच में ही नहीं थी कि मतलब वो उसको नोटिस कर रहा है। वो बाहर कोविड में कोई नहीं निकलता था बाहर, वो सब अलग अलग थे, तो जो जो निकलता था तो नोटिस हो जाता था। कभी वो पार्क में बैडमिंटन खेल रही है बच्चे के साथ, कभी उसको स्केटिंग करा रही है अकेले। तो उस बंदे ने ना ये ऑब्जर्व किया कि ये अकेली रहती है, अकेली है। तो पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, सोसाइटी में उसके पीछे तक आया, घर देखा उसने उसका, और उसको ये पता चल गया कि ये माँ बेटी अकेले रहते हैं। तो उसने क्या किया, उसको सब पता था इनका कॉन्डो का कौन सा डोर कहाँ से कैसे खुला, मतलब वो एक बॉक्स पूरे तैयारी के साथ आया था, बॉक्स लिया हुआ था उसने, और उसके अंदर टेप वेप के हाथ से उसको पैर हाथ बंद करना होगा, मुंह बंद करना होगा, व्हाटएवर। तो वो पूरे तैयारी के साथ आया था, उसकी डॉटर छोटी थी उस टाइम, कोविड टाइम में छोटी थी, मतलब उसको समझ में आता था यहाँ पे बोर्न है, इंग्लिश तो उसको आती थी बट उसको हिंदी भी पूरी आती थी, और जो यहाँ का होमलेस था वो यहाँ का ही बंदा था, मतलब गोरा था यहाँ का। तो क्या हुआ कि उसने बेल बजाई, बेल बजाई तो वो जो नोन है हमारी, वो जॉब मतलब उसका ऑफिस चल रहा था, वो ऊपर वाले रूम में लैपटॉप पे काम कर रही थी। डॉटर ने खोल दिया दरवाजा, नहीं दरवाजा नहीं खोला, वो बैकयार्ड से आया, उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आके उसने देखा बच्ची तो छोटी है खेल रही है, उसने जोर से चिल्लाया बच्ची ने, तो वो सीधा सीढ़ियों से होता वो ऊपर चला गया। ऊपर गया तो वो काम कर रही थी लैपटॉप पे, जाते ही उसने दरवाजा जोर से मारा तो वो घबरा गई एकदम, तो चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह बंद कर लिया। ऐसे धीरे से नीचे बेटी ऊपर गई भाग के कि क्या हुआ मम्मा मम्मा व्हाट हैपेंड। तो उसने अपनी बेटी को बोला बेटा तू भाग जा यहाँ से, छोटी थी उसने हिंदी बोली, वो समझ गई कि बेटा तू यहाँ से भाग जा, चली जा यहाँ से। तो वो लड़की, अब गुरुजी ने, भगवान जी हैं उनके लिए, हमारे लिए गुरुजी हैं वो, लेकिन क्या माइंड में डाला वो छोटी सी बच्ची, कोविड में आसपास के कोई घर दरवाजा नहीं खोलते थे, कहती है मेरी नेबर तो बिल्कुल ही नहीं खोलती थी, वो लोग आई गेस कहाँ से थे, कह रहे थे साउथ इंडियन थे तो उनको हिंदी भी कम समझ में आती थी, और बहुत कोविड के डर से वो कभी दरवाजा नहीं खोलते थे। कहती मेरी बेटी भाग के, उस बंदे ने सोचा कि ये तो छोटी सी है, ये क्या करेगी 5-6 साल की बच्ची, उसने उसको छोड़ के अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया जहाँ पे वो मेरी फ्रेंड मतलब मेरी की फ्रेंड थी ऊपर का, और वो लड़की मेन डोर से होते हुए साथ वाले नेबर को नॉक किया उन्होंने। इस बीच में 20-25 मिनट हो गए थे, बच्ची गई, उसने अंकल आंटी को बोला, उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उससे पहले उसने जो मुझे बताया मतलब आई वॉज शॉक्ड। कहती है कि मेरी बेटी को मैंने भगा दिया, वो नीचे गई थोड़ा इधर उधर घर में घूमी, चिल्लाई रोई, कुछ देर के बाद वो नेबर के पास गई, तो उस बीच में उस बंदे ने मेरी जो नोन है उसका रेप किया। एंड मतलब लिटरली अभी भी बताते हुए मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार कैसे, मतलब अकेली लड़की ने मास्टर्स की है यहाँ, अपनी बेटी को इतना स्टैंड कर रही है, खुद दो दो जॉब्स की हैं उसने, और मतलब और वो लड़की इतनी स्ट्रांग, मतलब मैं अभी भी स्ट्रांग नहीं हूँ, वो लड़की इतनी स्ट्रांग, और हंस के बोल रही है, कह रही है यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ हो गया, ये तो बहुत एंड हुआ है मेरा। तो मैंने कहा यार, उसने मुझे बताया, मैंने कहा बस चुप हो जा मुझे नींद नहीं आएगी। तो कहती है मतलब ये सब हुआ उसके साथ 15-20 मिनट में ही हो गया। तो वो जो होमलेस था ना, वो इसी इंटेंशन से आया था कि उसको ये करना है, अगर किसी को रॉबरी करना होता है कुछ करना होता तो वो लेके चला जाता है, और वो मार पिटाई करके सामान लेके बांध के उसको चला जाता, बट उसकी इंटेंशन वही थी। फिर इतनी देर में पुलिस आ गई, मतलब हार्डली 5-10 जो भी है 10-15 मिनट में ये सब हो गया, पुलिस के आने तक ये सब हो गया, मतलब उसने दरवाजा बंद करते ही ये शुरू किया है और वो हो गया। तो जैसे ही पुलिस आई सब कुछ, वो लड़की इतनी स्ट्रांग कि उसकी बेटी ना देख ले ये सब कि ये हुआ है मम्मा के साथ, कभी उसको कुछ। उस बंदी ने कहती है, मैंने अपने माइंड को ये कहा कि पुलिस सायरन बज रहे हैं, तो कहती मैंने फटाफट वो पड़ोस में उसकी जो भी नोन थे वो आए, तो मैंने उनको बोला कि मेरी बेटी को कुछ मत बताना, एटलीस्ट मेरे को कपड़े पहनने दो, नीचे आते मतलब पुलिस मेरे से इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुझे कपड़े पहनने दो। तो उसे कपड़े पहने नीचे आई, और वो लड़की मतलब खत्म हो जाता है, एक लड़की को अगर कोई टच भी कर देता है ना तो ऐसा लगता है कि वो उसका वो नहीं है। तो वो लड़की नीचे आई, उसकी बेटी के साथ इन्वेस्टिगेशंस, उसके साथ 3 महीने 4 महीने उसने पूरी केयर रखी अपनी बेटी की। मैंने कहा यार हिम्मत कहाँ से, कहती अगर मैं
बैठ जाती, कहती मैं लॉस्ट थी बट अपनी बेटी के लिए मैं जी रही थी, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही थी। मेरी बेटी ट्रॉमा में चली गई थी 1 साल के लिए और इतनी अच्छी थी स्टडीज में, सब कुछ खत्म। कहती एग्जाम में जाती जाके सिर्फ वही स्टोरी लिखती, हमारे घर ऐसे ऐसे कोई घुस गया था होमलेस, उसने मम्मा को मारा और ऐसे ऐसे सारे एग्जाम्स में ये करके आती। वो 1 साल तक उसने यही किया, कहती कुछ नहीं लिख के आती थी। कहती है उसको निकालने के लिए भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी, कुछ भी दिया, कहती है। और यहाँ की पुलिस ने, एक्चुअल में यहाँ की पुलिस पुलिस है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेंटली, मतलब फिजिकली, या आपको कोई नीड है आपको मतलब डॉक्टर के पास लेकर, सब चीजों में बहुत अच्छी, कहती उन्होंने बहुत हेल्प की। कहती मैं निकली और कहती है पता नहीं मैं कैसे निकली, क्या निकली। और सोचो यहाँ ऐसी उसकी फ्रेंड्स भी उसने बताई है जो उस टाइम में जब उसके साथ ये हो, अपने बच्चे उसके पास छोड़ के पार्टीज में जा रही हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं अपने ही इंडियन कि उन लोगों को ये फीलिंग नहीं आई कि इसके साथ क्या हुआ है, तुम अपने बच्चे छोड़ के जा रही हो उसके पास। कहती मैं तो लॉस्ट थी। मैंने कहा तुमने बोला क्यों नहीं? मैंने कहा उनको सपोर्ट करना चाहिए था, कि तुझे मोटिवेट करना चाहिए था, तेरा दिल लगाना चाहिए था। कहती मेरा दिमाग ही नहीं चलता था, वो आते दरवाजा खोलते बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब वो कहते हैं ना गुम हो जाना, मतलब कुछ नहीं पता चला, लॉस्ट हो जाना, वो थी। कहते फिर धीरे धीरे जब चीजें सेटल डाउन हुई, मैंने वहां से घर छोड़ा, फिर मैंने हमारे यहाँ नियर बाय उसने घर लिया है, कहती तब चीजें हुई। और वो बंदा पता चला पुलिस से कि वो बहुत लड़कियों के साथ कर चुका है, और पुलिस ने उसको फोर्सफुली लड़की को बोला कि आप प्लीज इसके अगेंस्ट फाइल करो, अगर नहीं किया ना तो इस लड़के की हिम्मत बढ़ जाएगी। और अब वो 15 साल के लिए जेल में गया। In your case, I think you're trying to tell us that the nanak dukhiya sansar, very true, very very true. वही हम हर एक इंसान दुखी है और कई बार हमें इतना दुखी है, हमारा दुख बड़ा है, नहीं ये कुछ हमारा तो बड़ा है, पर नहीं, but people are worse than this. मतलब गुरुजी दिखाते हैं, worse तो छोटा word है, मतलब इतना कुछ हो जाएगा ऐसी life में। She's like, she's 36, 37 yes। हमारी दोस्त है जो अनु हमेशा आती है इस पे, अगर उसके घर कोई जाके एक दिन देखे तो हम सब भी, वो अगर उसको फोटो में देखो तो ऐसे लगता वाओ, बट व्हेन आई गो टू हर होम आई नो कि व्हाट दैट वुमेन इज गोइंग थ्रू एट हर होम इज लाइक लिटरली हमारा दुख भी कुछ नहीं है, हमारे इतने इतने से है दैट व्हाट दैट वुमेन, मतलब हम लोगों को तो वो कहते हैं ना कि उसको नोटिस भी नहीं करना चाहिए जो हम लोग लेके आते हैं, वो चीजें बोलने की भी नहीं है। और मैंने उसका सुनते ही तो मतलब कहता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सुना, मतलब एक कहता है ना कि किसी किसी से सुनना और एक सामने बैठना जिसके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है, एंड शी इज explaining each and everything to me, तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था वो। फिर उसने बताया, फिर उसने मुझे काम डाउन किया, मैंने उसको हक किया, ये वो, कहती पता नहीं मैंने तुझे क्यों बता दिया। तो उसकी उस बात से मेरे को ये हुआ कि देखो कहीं ना कहीं उसने पुराने उसके कर्म है, और उसने अग्री किया होगा जब उसका जन्म होना था कि ये सब होगा, लेकिन बहुत लोग अपना मतलब नहीं होते इतना उनके अंदर स्टैमिना, वो छोड़ देते हैं चीजों को, वो खत्म हो जाते हैं। बट इसके पास स्टैमिना है, भगवान के साथ जुड़ी हुई है ये स्पिरिचुअली, तो देखो सपोर्ट भी किया है भगवान ने आज इसको। मैं कहती, मैंने कहा अगर मैं तेरी जगह होती ना शायद मैं खत्म कर लेती अपने। कहती नहीं होता, कहती ये पीछे से भगवान का सपोर्ट है मेरे को, जो पता नहीं, कहती ऐसी ताकत है कि मैं दुखी होके रो के भी खड़ी थी, अपनी बेटी दिख रही थी मुझे सामने, तो कहती है कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, जो भी हुआ किसी लड़की के साथ ना हो, लेकिन स्टिल मैं आज तेरे साथ हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ भगवान है। तो मैंने कहा बिल्कुल है। फिर उसने मुझे बोला कि मैं, फिर मेरे को बोलते कि अच्छा तू उस दिन कौन से गुरुजी के वहां गई थी, बात उसने बता कि मेरे को बोलती कौन से गुरुजी, अच्छा मैंने गले में लॉकेट पहने, कहती अच्छा ये वाले गुरुजी के यहाँ गई थी, मैंने कहा हाँ। कहती ये तो मेरी एक नोन है, वो बड़े कीर्तन करती है, हफ्ते महीने में करती है, कहती मैं 3-4 बार गई हूँ इनका, मैं तो सिर्फ लंगर करने चली जाती हूँ, मतलब उसने क्लियरली बोला। कहती है वो मुझे बुलाती है, बड़ा प्यार करती है मुझे, वो कहती है तेरे लिए खाना बनाया मैंने, लंगर प्रसाद है, तू खा के जाइयो। कहती मैंने गुरुजी को जो तुम्हारे हैं इनको देखा भी नहीं है ढंग से, और मैं सिर्फ खाना खाती हूँ और आ जाती हूँ। तो कहती है मैं 2 बार गई हूँ, जब 1 बार गई हूँ, दूसरी बार गई ना तो घर आई, घर आने के बाद ना फोन पे इनकी वीडियो आ गई मेरे पास। मतलब ऐसा नहीं है कि फोन सब सुनता है। कहती है मैंने सेटिंग चेंज की हुआ कि जो भी मैं बोलूं उससे रिलेटेड कोई सर्च नहीं आए। तो कहती है उनका वीडियो आ गया जिसमें वो आपस में कुछ बता रहे हैं चीजें और डिस्कस हो गया। कहती है थर्ड टाइम जब मैं गई ना उनके घर तो मैंने गुरुजी की फोटो को देखा,
कि ये है कौन, ये मतलब मुझे फोटो दिखी है या ये है कौन है? कहती है, फिर फोर्थ टाइम उसने मुझे बुलाया कि आ जा, कहती मैंने नहीं आना भाई, मैं थक गई हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ, लेट है। तो कहती है मैं रात को 9 बजे उठी हूँ, सो चुकी थी मैं, 9 बजे उठी, आते हैं ऑफिस से लेट जाता है बंदा, कहती मैं लेट गई, 9 बजे उठी हूँ, उठते ही कहती मुझे पता नहीं क्या पागलपन लग रहा था मुझे अपने आप को देख के, उठी हूँ, मुंह धोया है, सूट चेंज किया है, तैयार होके मैं उनके घर चली गई हूँ कि सत्संग था, सत्संग अटेंड करने के लिए। कहती मैंने पूछा, कहती हाँ हाँ अभी खत्म हुआ है, बस लंगर प्रसाद खा रहे हैं सब लोग, तू आ जा। कहती मैंने खाया और कहती है अब मेरे को तेरे को बताते हुए ऐसा लग रहा है, वो मुझे बोली कि लवली तुझे बताते हुए लग रहा है कि इन 4 हफ्तों में, बीच में मेरी जॉब छूट गई थी, इन 4 हफ्तों में मुझे वापस कॉल आई है और काफी टाइम से बीच में ब्रेक था और दोबारा जॉब लग गया। मैंने कहा तू सही जगह पे आई है, मैंने कहा अब तेरा हाथ पकड़ लिया है गुरु जी ने, जो तुझे 9 बजे उठा के मुंह धुला के, जो कि पता नहीं है कौन है गुरु जी, और तू तैयार होके गई है ना, तो मैंने कहा अब तू सही हाथों में आ चुकी है, और मैंने कहा ये मेरा अंदर से मानना है कि तू अब मेरे परिवार में आ गई है। कहती है मुझे नहीं पता कौन है क्या है, अभी भी वो मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, मुझे भी मालूम है कि एकदम नहीं होता, बट आई नो कि वो जरूर आएगी, गुरु जी उसको जरूर बुलाएंगे, और मैं कहती हूँ कि वो जरूर आए क्योंकि उसको गुरु जी अब तक भी ब्लेस कर रहे हैं। बट एक होता है ना कि आप कनेक्ट कर पाओ, बात कर पाओ, उसको मिलेंगे गुरु जी बात करने के लिए, तो आई गेस उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, जो अभी उसने वो स्ट्रांग है उससे मुझे लगता है मच बेटर हो जाएगी उसकी लाइफ। तो यही था कि हम सब, मैं भी हूँ उसमें, कि छोटी छोटी चीजें नहीं देख के, इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे सामने हुआ ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ किसी को भी, मैं तो गुरुजी से कुछ कुछ भी नहीं, वैसे भी नहीं कहती हूँ, बट कोई और भी कहता है ना तो प्लीज इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हमें शायद नहीं कहना चाहिए। वो इतनी बड़ी चीज के लिए भी रिग्रेट नहीं कर रही है, वो कह रही है ठीक है ना मेरी किस्मत में था, हो गया, भगवान ने मुझे हिम्मत दी आगे। तो मतलब इतना लोग इतने पॉजिटिव भी होते हैं इतना सब होके, तो भगवान सबको हिम्मत दे, सबको आशीर्वाद दे, किसी पे कष्ट ना आए, और ऐसे कष्ट तो भगवान दुश्मन को भी आएगा, किसी को भी ना दे, किसी को भी ना। जय गुरु जी, शुक्रिया। जय गुरु जी, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ऐसा ऐसा दुख तो किसी को भी नहीं दे भगवान, और वो ही आप कहते हो ना, आप पढ़ने लगे थे द लॉ एंड द स्पिरिट, अगर आप पढ़ते तो आपको इसका मतलब पता चलता, उसमें पता चला इसका ना मुझे रीजन लिखा हुआ है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, वो मुझे रीजन समझ में आ गया ना, तो हाँ। उसके बाद उसने मुझे इंसिडेंट बताया, तो मैंने कहा कि मैंने बुक पढ़ी है, शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं भगवान को पता नहीं क्या क्या बोल देती कि भगवान आपने ऐसा कर दिया, ये लड़की इतनी पूजा पाठ करती है, बचपन से यज्ञ करती है। अब मुझे पता है ना कि एक्चुअल में हुआ क्या है उसके साथ, अभी नहीं है ये पुना, जो आपका पुराना पाप है, पुराने कष्ट है, वो कटने के लिए ये सब रास्ता हुआ है। यस यस, पर देखो सब कुछ काटता है, लेकिन यस गुरु में दुखों में रखा हुआ है, तो अब क्या आने वाले जो है ना वो उसको काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं पता उसका आने वाला कल क्या है, और जो उसके जो पिछले जन्म के थे वो खत्म हुए हैं, पता नहीं, ये सब ओनली ही नोज, बट दैट बुक गिव्स यू लॉट ऑफ मैसेजेस एंड लॉट ऑफ आंसर्स, उसमें बहुत कुछ है सीखने को, है गूसबम्प्स भी आते हैं, बिल्कुल डर भी लगता है सुन के, और मैंने तो जितनी बार सुनी है ना, मैं रात को सुन रही हूँ और डर जाती हूँ। यस 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 यस, दिन में सुनो उसको, जो सोनिया आंटी की है रिकॉर्ड की हुई, कौन सी आंटी, अच्छी भी लगी, सोनिया मल्होत्रा आंटी ने की हुई है, सोनिया मल्होत्रा उनकी पूरी बनी हुई है हमारे पास है, तो उसको आप दिन में सुनो, आपको समझ भी आएगी और डर नहीं लगेगा, एंड यू विल लाइक लिटरली वी हैव टू वर्क ऑन दीस थिंग्स व्हिच वी आर नॉट डूइंग इट, वी स्टिल नॉट डूइंग इट, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। यस सो, और गुरुजी इसलिए तो गुरुजी ने ये 2-3 बुक्स पढ़ने के लिए बोली थी, बस यही 2-3, ज्यादा नहीं है बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला वो योगी बोला, क्योंकि उसमें जो है वो गुरुजी ने अपना वो अपना सारा शीशा दिखाया उसमें, इसलिए उन्होंने बोला था वो पढ़ने के लिए, वो भी उन लोगों को जो जुड़ नहीं पा रहे गुरुजी से, उनको बोला, क्योंकि जो लोग थे ना जो उस हाँ उनको बोला जो गुरुजी से जुड़ नहीं पा रहे थे, पर गुरुजी ने तो उनको चुनना ही था, तो गुरुजी उनको फोर्स करते थे पढ़ो, नॉट एवरीबॉडी। अब मेरे घर आई हुई है, मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ पाई, मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं जुड़ती गई, और ऊपर से पेंडेमिक आ गया, वो और ही गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया, पर द बुक मेरे मैं पढ़ भी नहीं सकती, अगर मुझे अभी कोई कहे ना वो बुक पढ़ने के लिए, आई डोंट थिंक सो आई कैन रीड, बिकॉज़ आई एम अप देयर ऑलरेडी, आई डोंट नीड टू,
बिकॉज आई नो वट गुरु जी इज. गुरु जी इज परमात्मा, गुरु जी इज रब, गुरु जी इज नानक, गुरु जी अल्लाह, गुरु जी इज जीसस, गुरु जी इज महाकाल, गुरु जी इज कुछ भी कर सकते है, गुरु जी इज बिगर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. पर आप ये कह रहे हो कि जो गुरुजी से जुड़ नहीं पा रहे हैं ये उसके लिए, मैं जो दो चैप्टर, हाँ दो चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं वो मैंने 8 महीने पहले ये बुक कहीं देखी थी किसी के घर पे, तो मैंने कहा मुझे दे दो यार, मुझे बुक्स पढ़ने का है, मुझे ये पढ़नी है, तो मैंने उनसे लेके 2 चैप्टर पढ़ लिया. और उस केस में सिर्फ उस टाइम पे मैंने सिर्फ गुरुजी के 2 सत्संग अटेंड किए थे, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, और ये बुक कैसे मेरे सामने आई वो भी मुझे नहीं पता. नहीं नहीं ये लॉ ऑफ स्पिरिट वाला, नो द लॉ ऑफ स्पिरिट वो बाद की है, योगी अच्छा. वाली तो वो उनके लिए है जो गुरुजी से अभी जुड़े नहीं है, गुरुजी उनको पढ़वाते हैं योगी वाली तरफ खींचने के लिए. हाँ अपनी तरफ खींचने के लिए. कौन सी बुक है मुझे नहीं मालूम, योगी ये उसका नाम योगी नंद समथिंग लाइक है, मुझे अच्छा. नहीं पता, नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई बोल देगा, इनमें से किसी को पता है वो नाम तो दे कैन रेज द हैंड एंड दे कैन जस्ट टेल यू, बट मुझे पूरा नाम नहीं पता. मुझे भी वो मेल में आई थी बुक, मैंने एक चैप्टर खोला, नहीं पढ़ा गया, मुझसे नहीं पढ़ी गई. बट मैं उस दिन गुरुजी से बैठ के यही सोच रही थी कि गुरुजी ने 2-3 बुक्स पढ़वाई थी, एक तो योगी नंदा की, एक तो लॉ एंड द स्पिरिट, और एक और है और एक शिव पुराण. ये 3 चीजें तो गुरुजी कहते थे करने के लिए, राइट, बोलते थे करने के लिए, पढ़ने के लिए. बट योगी मेरे पास पढ़ी हुई बहुत टाइम से, तो मैं कहती थी मेरे घर क्यों आई है गुरुजी, मैंने तो पढ़नी नहीं है. आपको पता है एक तो मैं किताबें पढ़ती नहीं हूँ, ऊपर से आपने भिजवा दी और सारे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, योगीनंद को पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों पढ़ो. इन द अदर डे गौतम अंकल सत्संग कर रहे थे, उन्होंने पढ़ा बताया कि वो भी बुक्स नहीं पढ़ते थे, तो उनको वो कहा था, वो गुरुजी से मिले थे, उनको गुरुजी ने कहा अगर तू मेरे नाल जुड़ना है तनु पता चलेगा मैं कौन आ, योगी नंदी बुक पढ़, तो उन्होंने वो तब जाके पढ़ी फिर, और वो भी बाबा को मानते थे, बाबा को, साईं बाबा को, तो उन्होंने वो बुक पढ़ी फिर उनका. मैं भी साईं बाबा को मानती हूँ, मानती थी, बट अब मेरे मुंह से सिर्फ गुरुजी ही निकलता है क्योंकि गुरुजी में ही सब कुछ है. गुरुजी, और अब हम सभी गुरुजी के, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुजी तीनों का वो है. एंड एट द लास्ट आई विल से कि आपको उस तक उस लड़की को पहुंचाना है, क्योंकि गुरुजी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, तो उसको कनेक्ट करो, उसकी हेल्प करो, उसको गुरुजी तक जोड़ो, और वो वंस शी इज कनेक्ट विद द गुरुजी एंड शी विल गिव यू, शी विल टेल यू द सत्संग, अपना सत्संग सुनाएगी, दैट मीन्स गुरुजी की तरफ हो गई. अब वो रेस्ट इज गुरुजी जॉब, उसको कैसे अपनी तरफ खींचना है, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट हर. और वो अपने आप ही हो गई कि उठ के चली गई प्रसाद खाने, धीरे धीरे शी इज गोइंग देयर. और गुरुजी की जहां जाती है वो गुरुजी के, मतलब बहुत कहते हैं ना कि सेवा भाव रखने वाली लेडी है जहां जाती है, लेकिन वहां से उसने नहीं कुछ बातें की. वो उस दिन मेरे को बोलती है कि मुझे लवली से मिलना है, और मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, बट मिलना मुझसे, कहती मेरा मन किया तुझसे मिलना है, और उसके बाद ये सारी बातें हुए और फिर मेरे से ये डिस्कस कर रही है चीजें. तो मैंने कहा शायद मैं जरिया हूँ इसको, मतलब गुरुजी से जोड़ने का. मेरे यस एब्सोल्युटली 100% यू आर द जरिया. गुरुजी चुनते हैं आपको, गुरुजी ने आपको चुना उसके लिए, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं 2 लोगों की एग्जांपल हुई है. गुरुजी आपको चुनते हैं, गुरुजी चाहते हैं यू हेल्प हर, गुरुजी चाहते हैं कि उसको डायरेक्टेड टू द राइट डायरेक्शन, गुरुजी चाहते हैं कि आप उसको गुरुजी से मिलाओ, तभी उसने आपका नाम सुना, आपका नाम चुना. So this is all, it's not coincidence, it's all his creation. Guruji karte hai sab. Guruji se bahut pyar aata hai, mere ko na bahut. He's a pyar aata hai, and he's a big planner. He has sabke liye plan. So shukrana mere malik ka, anantam shukrana ki hame apni chhatr chhaya mein rakha hai. Hamari sab ki baju pakad ke rakhi hai, aur hum sab ko chuna hai. Is bheed mein ek ek ko unhone chuna hai. हम सब बहुत लकी हैं कि उन्होंने हमें चुना है. हाँ जी, तो शुक्राना 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 अनंत शुक्राना. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बोला आपने आंटी, एंड इट्स वेरी ट्रू कि नानक दुखिया संसार, हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है. आई वाज टेलिंग, आई वाज जस्ट अदर डे किसी की हेल्प पूछ, किसी को यही बात बता रही थी. वो रो रही थी, ओ मेरी बेटी इतनी मोटी. मैंने कहा लिसन, अब ये मोटी है, मोटी है, मोटी इज नॉट अ प्रॉब्लम,
अपने आप अंदर से आवाज आएगी, गुरुजी उसकी हेल्प करेंगे, अपने आप वेट होगा बस इट्स कि ठीक तो है, दैट्स मैटर। वो भी लोग हैं जिनके बच्चे बीमार हैं, बोल नहीं सकते, अपने आप अपना मेरा अपना ऑटिस्टिक नेफ्यू है, वी कांट टॉक टू अस, वो उसकी मैं उसका एग्जांपल दे रही थी उसको, मैंने कहा उसको देख। सो नानक दुखी है संसार, हर एक इंसान दुखी है, इसमें हमारा दुख कुछ भी नहीं है। और अगर पर गुरुजी ये भी कहते थे आप लोगों के, ये जरूर याद रखना आंटी कि ज्यादा लोगों के दुख भी मत सुनो, वो भारे पड़ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा लोगों के दुख भी मत सुनो कि वो भारे पड़ जाते हैं, बस गुरु जी का रास्ता दिखा दो, दैट्स इट, बोलो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गुरु जी मिल गए, ही विल टेक केयर ऑफ यू, दैट्स इट, डन, डन इज डन, पास्ट इज डन, पास्ट को तो अब हमने सोचना भी नहीं है, वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अभी यू आर टेलिंग दैट आपका नेफ्यू ऑटिस्टिक है, मेरा मेरी जो छोटी सिस्टर है शी इज स्पेशल चाइल्ड, लाइक उसको मतलब शी इज वेरी स्वीट, उसको ये नहीं पता ये आपके लिए अच्छा है ये बुरा है, एंड जो भी आता है उसके साथ शी इज वेरी नाइस, प्यार से बोलना बहुत, मतलब अगर मैं सपोज मैं कहती हूँ कि आपको ये नहीं बोलना वो बोल देगी, मतलब ऐसा है, तो वो नहीं छुपा के रख सकती बहुत। अभी उसको ना मेरे साथ साथ उसका कनेक्शन भी हुआ है गुरुजी से, अब वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ यही जय गुरुजी, फोन करती हूँ हेलो नहीं बोलती है, जय गुरुजी दीदी, जय गुरुजी दीदी, सबको यही मैंने कहा यार, और मम्मी को बोलेगी कि मम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, जय गुरुजी है, जय, मैंने कहा यार मतलब ये बच्ची के मन में ये है, और मम्मी कहते हैं कि ये सारा दिन सत्संग चला के रखती है, सदगुरु मैं तेरी पतंग और वो गाने याद कर लिए उसने। मैंने कहा कोई नहीं, अभी वो दो दिन में आने वाली है, मैं प्लेटफॉर्म पे उसकी बात जरूर कराऊंगी, यहाँ पे वो सबको जय गुरु जी बोलेगी, दो दिन में आएगी। सो मच आंटी, थैंक यू हर स्टोरी, मे गुरु जी ब्लेस हर एंड गुरु जी जल्दी से जल्दी उसको अपने साथ जोड़ लें, और उसके मतलब उसका तो जोड़ ही लिया, मैं तो कहती हूँ हम लोग, मैं तो पीछे हूँ वो पहले है, मतलब वो निस्वार्थ भाव से जो करती है ना बोलती है, आप देख लेना दो दिन बाद आएगी, अभी उसको प्लेटफॉर्म पे लाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। आई थिंक डॉक्टर प्रियंका आपने हैंड रेज किया था, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी थी वो जो जिस हाँ, के बारे ओके ओके, थैंक यू सो मच आंटी, जय गुरु जी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं, मैं ध्यान करूं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा, किस्मत सवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, मेरी आंखों ने देखे बाबा जो भी सपने, मेरी आंखों ने देखे बाबा जो भी सपने, मेरे सोचने से पहले ही वो तुमने किए पूरे, पाया ना खुद को अकेला, संग मेरे संगतों का मेला, हर कष्ट मिटा देता है बाबा महाकाल शिव भोला, कुछ और कहा नहीं जाए, कुछ और कहा नहीं जाए, जाऊं तुझ पे मैं बलिहारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, और मांगू नहीं कुछ भी, बस मांगू तेरी भक्ति, चरणों से लगा कर रखना, बस करूं यही विनती, मुझे अपना बना लो ऐसे, चरणों का फूल हूँ जैसे, सदा साथ तुम्हारे रखना, नंदी रहते हैं जैसे, भक्ति में उम्र गुजारूंगा जैसे नंदी ने गुजारी,
कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं मैं ध्यान धरूं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत सवर गई मेरी तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। आंटी जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जो किसी के दुख नहीं सुनने चाहिए। मेरी मंत्र जाप की सेवा लगती थी और उस बीच में भी एक आंटी का मुझे कॉल आता था अपने हस्बैंड के बारे में कि ऐसे है वैसे है। तो मैंने बोला आंटी ये हर घर में है, किसी के हस्बैंड की ज्यादा चलती है, किसी की वाइफ की ज्यादा चलती है। तो वैसे तो मतलब ऑगमेंट इतना नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आप मतलब आप ऐसा क्या करो कि जब आपकी दिक्कत हो ना, कुछ भी दिक्कत चल रही है, तो गुरु जी का मंत्र जाप बोला करो, मन के अंदर ही बोल लो अगर ओपन होके नहीं बोल सकते तो। लेकिन जब मेरी सेवा होती थी उस टाइम में तो आंटी उनका कॉल जरूर आता था, और उनको आज भी उनका कॉल आता है तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं कि आंटी आपको मैंने बोला था आप भूल जाते हो, मैं कि गुरु जी के चरणों में बैठो। आंटी उन्होंने गद्दी भी लगा रखी है, तो मैं उनको बोलती हूँ आंटी गुरु जी के चरणों में बैठो और मंत्र जाप करो और गुरु जी आपके सब कष्ट दूर करेंगे, जो भी दिक्कत है आपकी जैसे भी है। मतलब जब मुझे सुनाओगे तो मैं तो क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ आपको, मंत्र जाप करो और गुरु जी से जुड़ो, गुरु जी आपको सोची बख्शेंगे क्या करना है, पर गुरु जी आपके घर का माहौल ही शांत कर देंगे जब आप मंत्र जाप करोगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बख्शन हारे सुखादी दात बख्शते, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्शते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का, भूल चुप की मामी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ब्यूटीफुल भजन आपका एज यूजुअल, आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में एंड वेरी ट्रू। इसको आप सबके लिए ये मैसेज है, अगर कोई आपकी तरफ आए अपना दुखड़ा लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, जस्ट डायरेक्ट एंड टू द गुरु जी महाराज, बिकॉज अगर हम इसका जरूर इम्पैक्ट होता है हमारी अपनी लाइफ पे, सो वी डोंट वॉन्ट दैट, वी रियली डोंट वॉन्ट। द राइट प्लेस इज टू गुरु जी की डायरेक्शन एंड गुरु जी के दर पे, वो ही है करता दर्द, हम तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो खुद ही उनके आगे हाथ पे लाके बैठे हैं, तो हम किसी की क्या सेवा कर हेल्प करेंगे। सो दैट्स वाई इट्स बेटर की आई नो इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर समटाइम, इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड समटाइम, बट गुरु जी है ना, उन्हीं से मांगो कि गुरु जी मुझसे नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकती, हेल्प मी, एंड बिलीव मी गुरु जी हेल्प यू। गुरु जी खुद ना खुद कोई ना कोई रास्ता ही बना देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं आपको। सो गुरु जी कैन डू एनीथिंग। अंकल ने जैसे आपने बोला, एक अंकल ने बहुत प्यारा मैसेज दिया, उनको किसी से मतलब किसी ने हेल्प मांगी थी, लेकिन हर चीज में बात तो एक ही है कि चाहे पैसों की हेल्प मांगे, चाहे इस चीज में मांगे हमें हेल्प, पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ा प्यारा एक मैसेज दिया आंटी, वो बोलू मैं आपको हो तो उन्होंने बोला कि मैं गुरु जी के दर का भिखारी हूँ, मैं गुरु जी के दर से मांग के खाता हूँ, मैं किसी को क्या दू, मैं खुद एक भिखारी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आंटी, कितना प्यारा मैसेज उनका था, और आंटी उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजा, बहुत प्यारा मैसेज लगा, मैं कई दिन तक वो सुनती रही, क्योंकि हर चीज में ही हम भिखारी हैं, अपने दुख में अपने सुख में हर चीज मांगते हैं गुरु जी से। तो उनको भी आंटी को यही बोला, और मेरे को तो आंटी जो भी कोई बोलता ना, मैं उनको यही बोलती हूँ कि गुरु जी से जुड़ो, और बहुत शुक्राना एक आंटी को तो आंटी 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए मुझे, आज वो जुड़ चुके हैं गुरु जी से, तो बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं उनके लिए तो आंटी अनंतम मतलब बारम्बार शुक्राना कहूंगी, क्योंकि मैं उनको बोलती थी और मुझे लगता था अब मैं क्यों बोल रही हूँ, गुरु जी तो कहते बस दरवाजे तक छोड़ दिया, बस सब हो जा, फिर कुछ ना कुछ अपना बोलती थी, मैं बोलती थी सब मंत्र जाप चला लो, आपको अगर गुरु जी से ध्यान नहीं लगता ना तो अपने आप गुरु जी जोड़ देंगे। आप ना सिर्फ ओम का उच्चारण खुद किया करो, या फिर ओम का भी मंत्र आता है
तो खाली वो ही सुना करो, बहुत लंबा मन शांत करता है। तो आंटी देखो कब जुड़ गए, वो गुरु जी का शुक्राना, बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टाइम भी गुरु जी तय करते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन जब मैं जो जो मेन हमारी हेल्प करती है काफी, शी इज अ हाउस वाइफ, शी हेल्प्स अ लॉट, तो वो बाहर गई हुई थी एंड शी सेड द सेम थिंग। लाने वाले उसको गुरुजी थे वापस। उन दिनों में बहुत 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 बारिश हो रही थी जिससे सारा कुछ, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रखी थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक उसी वीक जब माइक्रोसॉफ्ट भी डाउन हुआ था, तो शी वो मुझे मिली जब, तो मैंने कहा तू टाइम से, कहती नहीं मैं ना, आप समझो, आप यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कहती है ऐसे ऐसे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, एक तो बारिश, फिर ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट डाउन होने के बाद सारी फ्लाइट कैंसल्स थी, और एक एक फ्लाइट कैंसल 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 कैंसल, और मैं गुरुजी को वो कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी अब कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे, एयरपोर्ट पे घर पहुंचाओ। तो कहती है बस कह के हटी, तो थोड़ी देर में एक देखा कि एक हमारी वाली जो थी जाने वाली फ्लाइट वाज ऑन। मैं कैसे गुरुजी करते हैं ना, इट्स जस्ट गुरुजी, लाइक इट वाज जस्ट, उसमें बोर्ड पे आ गई थी कि इट्स लाइक गोइंग टू, यू नो द फ्लाइट इज ऑन, इट्स गोना ली सून, दे विल यू नो डिपार्ट फ्रॉम देयर। सो कुछ भी गुरुजी इज लाइक लिटरली, आपका इतना ध्यान रखते हैं ना हमारा, आप सोचो भी तो पूरी कर देते हैं। एंड देन ऐसे ही मेरे साथ वो हुआ, मैं बहुत सा प्यारा सा डेलिकेट सा मोर के पंख वाला एक पहन के गई थी ब्रेसलेट, एंड काम करते करते, इट्स अ वेरी डेलिकेट ब्रेसलेट, मैंने पहना हुआ था, तो सामान बंद करते हुए वो उसमें आ गया, जो सामान जिसमें हम गुरुजी के चोले रखते हैं उसके अंदर आ गया, और उसका जो बीट थी वो निकल गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर मेरा ब्रेसलेट है, मैं खराब नहीं करना चाहती गुरुजी, तो मैं इसको उतार के रख देती हूँ, बट मेरा हाथ खाली नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ अब मैंने आंटी से मांगती, रहने दो, मैं नहीं जा रही आंटी के पास, अब क्या आंटी एक गंगा आंटी मुझे एक ब्रेसलेट दे दो, मेरा हाथ खाली है। मैंने कहा कोई नहीं गुरु जी, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। मैं कहते ने सारे पहने, मनु नहीं और चाहिए, सॉरी मैं गुरु जी के साथ पंजाबी में बात करती हूँ। एंड जब सारा अंत हो गया, हम लोग सारा सामान संभाल रहे थे, तो आंटी ने, हम सारे जो भी हम पांच छह लड़कियां सेवादार, सब आंटी ने सबको बोला आवाज मार के, इतना सुंदर गोल्ड ब्यूटीफुल गुरुजी का वो था ब्रेसलेट, जिसमें एक जगह नानक जी, बीच में गुरुजी, और इस साइड पे ऊपर भोलेनाथ। एंड आंटी ने सबको दिया, एंड आई एम लाइक, मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, मैंने तो मांगा भी नहीं और आपने अपने आप ही दे दिया। सो जस्ट गुरुजी इज जस्ट, कुछ कह ही नहीं सकते, इज जस्ट गुरुजी इज राइट देयर, लाइक आपकी सोच तक पूरी कर देते हैं। सो महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सेवा करते हो, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमजीत आईफोन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। वैसे तो गुरु जी के इतने, मतलब एवरीडे रोज सत्संग होते हैं, तो हमें पता ही नहीं कि क्या शेयर करें, बहुत देर तक सोचना पड़ा मुझे, इसलिए मैं हैंड रेज करने में थोड़ा मैंने टाइम लगाया, पर मुझे लगा नहीं, एवरीडे बहुत छोटे सत्संग है लेकिन हमें शेयर करना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा, अभी जैसा बोला ना, तो हर समय हमें गुरु जी गाइड करते हैं, हम उन्हें पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला आगे, या उनके साथ, हमें उनके साथ कैसे डील करना है, तो गुरु जी पहले ही हमें बता देते हैं, तो हम लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। और इतना अभी बीच में गुरु जी का एक मैसेज था कि कुड़िया जहाँ पे मतलब नहीं रिस्पेक्ट हो वहां नहीं जाना, तो मैंने गुरुजी मैं तो सत्संग के अलावा वैसे भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने गुरुजी मैं तो कहीं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था वो मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप आया हुआ था, बट मैं ही नहीं देख पाई थी। और जिस दिन गुरुजी का मैसेज था उसी दिन उनका भी व्हाट्सएप था, मेरे पास इन्विटेशन था, मैंने दो दिन के बाद मेरा अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें उनका इनविटेशन आया हुआ था।
तो मुझे लगा, मैंने, अरे गुरुजी आपको तो पता था सब चीजें कैसे करना है। और उन्होंने बहुत क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ही एक बताया हुआ था कि नहीं ये नहीं करना, तो मैं बहुत इजीली और बहुत स्मार्टली उस चीज को मैं डील कर पाई। तो हम अगर गुरुजी की लाइफ के साथ, मतलब हम अपनी लाइफ को गुरुजी को सौंप दिया, जो जैसा वो चाहेंगे हम करें, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग तो बहुत 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 लकी है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं और हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आगे भी क्या करना गुरुजी पहले ही हमें बता देते हैं। इवन हर जो भी स्ट्रेंथ देते हैं गुरुजी हमें, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, लेकिन कहाँ से स्ट्रेंथ आती है, कैसे गुरुजी ठीक करते, कैसे फैमिली में हर फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करना, वही हमें सिखाते, वही कंपेशन देते, वही हमें स्ट्रेंथ देते। तो हर पल जो भी गुरुजी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग बोले हम, गाइडेंस बोले हम, मतलब सब कुछ है हमारे पास। अभी मेरे फादर का हुआ था, तो बीच में ना फादर थोड़ा सा अभी इरिटेट होने लगे, एक महीना हो गया उन्हें बाईपास हुए, तो अंदर ही अंदर मेरा इरिटेट होने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ ऐसा करा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हमें उन्हें हैंडल करना। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला गुरुजी से, बस इतना बोला गुरुजी कैसे करूं। बस सेकंड डे गुरुजी का मैसेज था, गुड़िया तेरी फ्यूनर ना लंबी लाइफ दे देती। मैंने, गुरुजी अभी तो मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं, बहुत हल्का सा सोचा, मतलब थॉट भी अगर आ रहा है तो उसके बाद भी गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। तो बहुत ज्यादा शुक्राना है गुरुजी का, जितना मतलब हर कदम पे एवरी सेकंड जो हमें, मुझे सब पूछे से हमें ना ऑब्जर्व, हम उन्हीं के शरण में पूरे टाइम। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी। तो बहुत छोटा सा सत्संग लगा कि नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजें भी तो भी हमें उनमें शुक्राना करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े सत्संग करें तो ही मैं शुक्राना करूं। तो मुझे लगा बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी का एवरीडे लाइफ के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच, या वेरी ट्रू। हमारे रोज ही कई बार कोई बोलता है कि ना सत्संग सुनाने आता है कोई हमारे पास, रोज ही एक सत्संग है। वाकई हमारा रोज दिन में दो चार सत्संग तो बनते ही बनते हैं। गुरु जी जरूर बना देते हैं, सोच भी बना देते हैं, लाइट भी बोर हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कुछ बड़ा सत्संग को तो हम करें, तो उसी सोच में रहता है कि लेकिन हमें हर कदम पे, मतलब अब तो इतना हो गया कि जो हम सोचते ना इंस्टेंट सामने होता है। और अगर अगर हम पूरी तरह सरेंडर कर देना अपने जिंदगी की डोर, फिर तो हमारी लाइफ इजी ही है। सरेंडर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए, because if and buts कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, but we have to work on the if and buts. We do have to work on the if and buts. So जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, thank you आंटी, जेरी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और एक चीज और है कि कहीं ये भी लिखा हुआ था कि शिव पुराण 8 बार पढ़ना है, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब कितनी बार भी पढ़ो? ना आंटी, आंटी कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों ने ना, मैं अब ये चीजें बड़ी क्लियर करता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों ने हाल बुरे है ना लोगों के, लोगों ने बोल रखा है शिव पुराण पढ़नी है तो बड़े नियम है, बड़े ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने बोला है कि 8 बार पढ़नी, मैं कहता हूँ आप जितनी मर्जी बार पढ़ो। गुरुजी ने कभी किसी को फाउंडेशन में नहीं डाला। गुरुजी के एक वर्ड थे विजय मरकन अंकल को, वो बड़ी स्पष्ट लाइन थी, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, डेली पढ़ो, भावे एक पेज पढ़ो मगर रोज पढ़ो, और जब संपूर्ण हो जाए फिर पढ़ो। और आप यकीन मानोगे शिव पुराण, आंटी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप जितनी बार पढ़ोगे पहली बार तो शायद आपके सिर के ऊपर से निकलेगी, क्योंकि वो एकदम किसी के भी समझ नहीं आती। सेकंड टाइम में आपको थोड़ी थोड़ी थॉट समझ आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेन होता है महाराज की मर्जी, महाराज अपने हिसाब से हर एक संगत को सजाते हैं। जब आपको समझ आएगी ना, तो हर बार आपको उस शिव पुराण में से एक नया मीनिंग मिलेगा। और आप वही अध्याय जब थर्ड बारी पढ़ोगे ना, जब वो पढ़ोगे तो आप कहोगे अरे ये भी चीज थी इसमें जो मुझे पता नहीं। तो मैं वाकई में कह रहा हूँ शिव पुराण, जिस संगत ने भी शिव पुराण पढ़ ली उसकी बल्ले बल्ले है, बस समझो ये समझो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसके ऊपर, क्योंकि शिव पुराण। हाँ जी, और एक और ऐसी कोई बुक, क्या चीज आंटी बताओ बताओ, ऐसी बुक क्या? मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है
आजकल लोगों ने पता है ग्रुपों में क्या डाल रखा है, शिव पुराण पढ़ने के बाद वैष्णो देवी जाना जरूरी है वरना शिव पुराण सब पूर्ण नहीं होती। मैंने कहा भैया गुरु जी एक बात बोलते थे सारे देवी देवता, गुरु जी कहते थे माता मेरी धी है साईं मेरा पुत्र है, तुसी पहले बच्चियां कोल जाते थे हुण तुसी प्यो कोल आए हो। अब वो चीज समझ नहीं आती लोगों के कि महाराज ने क्या समझाया और वो समझ वही तो बात है। एक्चुअल बताऊं आज की डेट में ना गुरु जी के एक वर्ड थे मुझे याद बड़े अच्छी तरह आते हैं जो गुरु जी ने कहते अद्धि संगत पामड़ भूसे च फसी रही। पामड़ भूसा मीन्स इन पंजाबी कन्फ्यूजन। इस टाइम आंटी कन्फ्यूजन का दौर इतना है ना कि लोग जो इजी रास्ता, मैं कहता हूँ गुरु जी इजी रास्ता समझाते हैं और हम लोग ना अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक बार गुरु जी ने एक संगत को बोला था तो आंटी शिव पुराण पढ़िया कर, तो वो आंटी बोली गुरु जी मैं सावन से शुरू करांगी। गुरु जी हंसने लग गए कहते सावन सावन दे पहले सोमवार ते, 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 तेरी फोटो लगी होगी तेरे घर च टंगिया होगा। अब यही चीज समझने वाली है रब का नाम लेने के लिए ना कोई टाइम कोई बार नहीं है। जिस दिन आपको गुरु जी सोची दें कि ये काम करना है तो ये समझ लो वो काम उसी दिन करना है और उसी पल करना है, अगले पल की मत सोचो। और इवन यही चीज है जब हम महाराज का सत्संग करते हैं तो हम कोई राहु काल अमृत काल ये चीजें नहीं देखते, हम कहते हैं कि हमने सत्संग करना है 5 से 7 करना है बस। तो यही चीज आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो कि रब गुरु जी का नाम लेना है तो लेना है, चाहे देर हो चाहे सवेर हो वो मत सोचो। चाहे मेरा एक मानना, मैं आपको सच बताऊं हर देवी देवता का एक 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 मुहूर्त होता है नाम लेने का, मगर गुरु जी के लिए सारे ब्रह्म मुहूर्त है अगर आप दिल से याद करो। जैसे गुरु जी कहते थे ना तुसी जद अपने गुरु का नाम लो तब अमृत पैदा, तो ये चीज बड़ी अच्छी गुरु जी ने समझाई है। और मैं कहता हूँ इससे अच्छा रास्ता कोई रब आपको समझा नहीं सकता। समझना हमें है, गुरु जी का फर्ज था समझाने का, बाकी कौन कितना चलता है ये तो गुरु जी को पता। हाँ जी, एक और चीज है, कल जैसे उनकी बेम्बी आंटी की मैंने बुक पढ़ी उसके बाद ना थोड़ा सा पता नहीं मुझे लगा जैसे अंदर मेरे अंदर और भी चेंज आया पढ़ के, मतलब होता है ना कि और लगाव आना या अटैचमेंट मतलब और बड़ी, मुझे कुछ भी हो मतलब कुछ तो चेंज था पढ़ने के बाद। मैंने आपको क्या बोला ये बुक मेरी लाइफ की चेंजिंग है, मैंने मेरे को ये मिली थी ना मैंने इसके अंदर 8-10 ना एक इसके अंदर एक तो इसमें एक सत्संग था जो हम गुरु जी कहते थे कि मानो मांगो नहीं उसका भी है बड़ा कुछ आंटी इसके अंदर, ये बड़ी अच्छी बुक है। मैंने कल रात को पढ़ी है, रात को मतलब ये लगा लो कि 12:20 पे मेरी खत्म हुई है, तो मुझे रात को ही ऐसा फील हुआ जैसे ना मतलब कुछ हुआ है अच्छा अंदर फील हुआ कि कनेक्शन है या क्या पता नहीं, तो मुझे ना अंदर से ये वाइब आ रही थी कि मैं आंख बंद करूंगी कहीं मुझे गुरुजी दिख जाए, मतलब समझो मैं गुरुजी से दर्शन को हर कोई करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता, बट वो मेरे को यूं था कभी मैं आंख बंद करूं और मुझे गुरुजी दिख जाए, तो मतलब वो थोड़ा अंधेरे का और रात था ना अजीब सा मुझे डर था कि भाई गुरुजी, मैंने आंख खोल के प्रार्थना की गुरुजी मुझे नींद दिला दो, मतलब मैंने यूं नहीं कहा कि मेरे को यूं था कि मैं आंख बंद करूंगी और मुझे गुरुजी एकदम दिख गए और मैं डर गई, तो मतलब मैं डरी हुई थी कल, तो मैंने उनको ये नहीं कहा आप आओ या नहीं आओ, मैंने ये कहा प्रार्थना की कि मुझे ना नींद दिला दो गुरुजी मुझे सोना है, कुछ भी नहीं मैंने पूछा। तो ये जो डर था किसी को ऐसे होता है या मेरा गलत है या नहीं? आंटी होता शुरू में ना क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब एक्चुअली बताऊं क्या होता है, अभी तो आपके पता नहीं ड्रीम में गुरुजी आए नहीं आए, गुरुजी का ड्रीम नहीं होता साक्षात दर्शन होते हैं, और उस टाइम बॉडी की वो हालत हो जाती है घबराहट के मारे, क्योंकि मैं आपको सच बता दूं गुरुजी को ड्रीम में देखना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है उस समय, तो वो औरा तो सिर्फ वही बता सकता जो महसूस करता, तो कोई नहीं आंटी बाकी तो देखो है जैसे कि आप जहाँ बैठते हो मैट पे बैठो उसके साइड में हाथ से सर्कल लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं पड़ा है, तो मुझे ऐसा करने से ना 3 बजे जैसे अमृत वो ब्रह्म मुहूर्त में, तो मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है वो चीज करने से कि वो सर्कल बना। नहीं, आंटी ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं एक होता नित नियम जब आप शुरू करोगे ना आप, मैंने इसलिए क्या बोला आपको, आप शिव पुराण पढ़ने शुरू करो जो भी पढ़ रहे हो गुरु जी के, अब एक नियम मान लो कि आपको करना है, आंधी हो तूफान हो, देखो मैं आपको बताऊं गुरुजी परीक्षा लेते हैं,
जब हाँ. आप शिव पुराण पढ़नी शुरू करोगे ना, गुरु जी आपको डिस्टोर करना शुरू करवाएंगे. हाँ. ये काम पड़ गया, ये पड़ गया. अब आपका टेस्ट ये होगा कि आप उस नितनेम को नहीं छोड़ोगे, और अगर आप उस नितनेम को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर गुरु जी आपका जो टेस्ट है ना, उसमें आपको अव्वल नंबर देंगे, और फिर आपको पूरा गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग बख्शेंगे ना कि वो गुरु जी फिर आपको पूरी. क्योंकि मैं बताऊं, शिव पुराण मैंने कई संगत की सुनी है, किसी की 4 पेज में छूट गई, किसी ने 8-10 पेज के बाद छोड़ दी, किसी की पूरी नहीं हो पाई, किसी की आधे में अटक गई. मैं कहता हूँ बहुत कम संगत होती है जिसे गुरु जी खुद समझाते हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, गुरु जी ने खुद छोड़ दिया इस चीज का, इसको समझो और शुरू हो जाओ बस नाम लेके. घबराने की जरूरत नहीं आंटी. देखो अपने, मेरा एक मानना, हम अपने माँ बाप से घबराते नहीं, तो बस जाती नहीं. मैं खुद दिन, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पे संगत सुनती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि गुरुजी सबके दर्शन में आते हो, आप सबके सपने में आते हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे बात करनी, मैं मिलना चाहती हूँ. लेकिन पता नहीं अंधेरा होता है या रात होती है ना, तो मुझे डर लग जाता है. और मुझे यू भी नहीं है कि रात होगी, गुरुजी से डरना कैसा, इतना प्यार करती हूँ, बट मुझे मैंने आंख बंद कर ली और मैं मतलब गुरुजी दिख गए मुझे, तो क्या मतलब, क्या पता क्या डर है, मुझे नहीं पता. नहीं आंटी कोई नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. ये कुछ कहते हैं ना, कई बार कोई पता है, मैं आपको क्या बताऊं, एक चीज क्या होती है, जब आप, हम लोग इंसान है, हमारे साथ जितनी नेगेटिविटी भी चलती है ना, हम जब पॉजिटिव ओरे में बैठते है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे को डिस्टर्ब करती है. कभी आप देखना, आप कभी किसी सत्संग में जाना, आपको कई बार वहां नींद भी आएगी. आप देखना क्यों आती है, उसका एक लॉजिक होता है. जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हो ना, तो जो शैतानी शक्तियां होती है ना, वो आपको वापस खींचती है कि तू हट इस मार्ग से. तो ये चीज है, वो चीज आपको दिखा रही है, आपके अंदर का जो नेगेटिव हो रहा है ना, वो आपको डरा रहा है कि देख रहा है ऐसा ना हो. तो ये कुछ नहीं, अब आपको अपने इस चीज पे काबू पाना है और कहना जो गुरुजी आज करेंगे बढ़िया करें. अब ये धीरे धीरे आप चिंता मत करो, आप अपने आप ही इस फेस से निकल जाओ, अपने आप ही निकल जाओ. बस आंटी बस जुड़े रहो ना, और गुरुजी का नाम लो. जुड़ी हूँ, सब कुछ अच्छा है. और इसी से रिलेटेड मैं अब अपना सत्संग, ये तो मेरे क्वेश्चन थे जो मुझे जानने थे, और सुबह का सत्संग मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैंने आज फास्ट रखा हुआ है जो सावन का है. वैसे मैं सावन के मंडे के फास्ट रख रही हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं रखे शिवरात्रि की, मुझे जहां तक याद है बचपन में कभी होगा एक आधा, करवा चौथ के अलावा मैंने कभी कोई फास्ट ही नहीं रखा. और अब पता नहीं कैसे मैंने सावन के स्टार्ट किए हैं. थैंक्स टू ऑल गुरुजी कि इनकी वजह से मुझे ऐसी राह मिली है कि मैं मतलब इतना लक्की समझती हूँ अपने आप को कि इन्होंने मेरे को चुन लिया और मेरे को वो राह दिखानी शुरू कर दी है जहाँ पे ये मेरे को चलवाना चाहते हैं. फिर मैंने आज सावन का जो शिवरात्रि है ये मुझे कल ही पता चली है, वो मैंने आज फास्ट रखा. तो आज फास्ट किया, सुबह मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, और जल चढ़ा के जैसे आंख बंद करते हैं ओम नमः शिवाय, कल बैमियंटी की बुक पढ़ने के बाद मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन भी पता चला, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं बजाय कि हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय. तो मैंने इस तरीके से जाप किया, ए वो जैसे ओम नमः शिवाय, और मैंने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पे, और आंख बंद करके जैसे मैं ओम नमः शिवाय बोलती ही रही. तो कभी भी नहीं हुआ मुझे खुशबू जरूर आई है गुरुजी की, मतलब महक आई है अच्छी, लेकिन कभी मुझे ना आंख बंद करती हूँ तो कभी कुछ दिखता नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर लाइटें वाइटें दिख जाती हैं जब मैं अगर ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ. बहुत ज्यादा कभी कोई पिक्चर नहीं बनती है, कभी पेड़ दिखाई दे गया, कभी लाइटें इधर से उधर दिखी, बस इससे ज्यादा मुझे कभी कुछ नहीं दिखा. आज सुबह मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है और आंख बंद करके मंत्र जाप अंदर ही कर रही थी, बाहर यार्ड में मैंने जल चढ़ाया. ऐसा भी नहीं कि मैं पूरी चौकड़ी लगा के बैठी थी ध्यान में, नहीं, सिंपल मैंने कहा ओम नमः शिवाय अंदर मन में. तो एकदम ही जैसे फ्लैश आती है मुझे शिवलिंग दिखाई दिया, एक फ्लैश आया मुझे नंदी दिखाई दिए, एक फ्लैश आया मुझे सांप दिखाई दिए वो ब्लैक कलर में, एक फ्लैश आया मुझे गुरु जी का होठों तक का चेहरा दिखाई दिया तिलक के साथ, पूरी लाइट के साथ, गुरु जी का लाइट के साथ बहुत पूरा फेस नहीं, नीचे हल्का सा सिर झुकाया हुआ है जिसमें मुझे नाक और होठों से ऊपर तक का सब गुरुजी का दिख रहा है. वो फटाफट हट गया, पूरी लाइट के साथ था. उसके बाद मैं अंदर ही अंदर इतना खुश, मतलब मेरे माइंड में उसी टाइम ये थॉट आया कि आज सत्संग होगा ना, और
सुबह फेसबुक पे पता नहीं ऐसे मैसेज आ गया कि सत्संग करना तेरी सेवा है, ऐसा कुछ मैसेज। तो जब ये मेरे साथ हुआ तो मेरे माइंड में सीधा वहां ये सब देखने के बाद यही आया, आज प्लेटफॉर्म पे सत्संग में मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं ये सबको बताऊंगी, मैं सब शेयर करूंगी कि ऐसे ऐसे मुझे ये दिखाई दिया है। और मतलब मैं बहुत खुश थी उस चीज के बाद। फिर मैंने उनको जल चढ़ाया, प्रार्थना पूरी की, मैं अंदर जोत लगाने आई, फिर मैंने जोत लगाई, जोत लगा के फिर मैं आंख बंद करके आरती के साथ साथ जैसे गा रही हूँ, तो सेम जो जोत है वो नीचे से ऊपर ऑरेंज कलर की, मतलब जहां मैं खड़ी हूँ मेरे फेस के, फेस चिन से लेके माथे तक ऊपर जैसे जाते हैं और सिर से ऊपर जा रही है आंख बंद करने में, वो जोत ही दिख रही है, सिर्फ चिन से स्टार्ट होके ऊपर चली जा रही है, फिर स्टार्ट होके फिर ऊपर चली जा रही है, ऐसे वो जो तीन बार जोत चार बार बनी है, एक बार पूरी ऑरेंज, एक बार ऑरेंज की आउटलाइन व्हाइट से, और एक बार ऑरेंज की आउटलाइन ब्लैक से, और फिर वो ब्लैक होके खत्म हो गई। तो जोत के बाद मुझे जोत के दर्शन। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद कल बुक पढ़ी है उसने मेरे पे इतना असर किया है कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तूने वो बुक पढ़ के बहुत अच्छा किया है, और मैं इसलिए ये चीजें तुझे दिखा रहा हूँ कि तू ठीक राह पे चल रही है, इसको कंटिन्यू रख। मतलब मुझे ऐसी फील आ रही थी, आज से पहले मुझे कभी कुछ नहीं दिखा, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये मुझे शायद अब मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, ये मुझे शायद फील भी नहीं आई थी ऐसी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ये दिखाना चाह रहे हैं, तो पता नहीं क्या है, बट थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे को शुक्राना करना भी नहीं आता, हाथ जोड़ के मैं आपसे यही शुक्राना करती हूँ कि हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना गुरुजी, हमें भटकने मत देना, शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, थैंक यू लवली आंटी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था। और एक बात मैंने बोलनी है आपसे, हाँ जी, गुरु जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट और ऑलवेज जो गुरु जी ने सारी संगत को बोला है, और वो कहते हैं हमारे लिए ए है, जो हम 1 2 3 गिनते हैं या शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले गुरु जी ने एक बात बोली थी कि वहम चनी पहना, तो किसी भी वहम में मत पड़िए, ये जो भी आप में तो आपको थॉट आते हैं ना ऐसे वैसे, जो भी जो वहम आ रहा है ना डाउट्स, उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, और ये उस टाइम जब डाउट आ रहा है तो बोलिए गुरुजी ने मना किया इस बात के लिए, तो कोई भी वहम नहीं करना। मतलब किस वहम से रिलेटेड आप बता? कोई भी वहम, जैसे आपने कहा मुझे डर लग रहा था या अच्छा, काला लग अच्छा, इस तरह की चीजें, या किस टाइम पढ़ूं या कैसे बोलूं, ये सारे वहम है, ये सारे वहम है, तो आप वहमों में मत पड़िए, जैसे लोग नजर लग जाएगी या काला धागा बांध लो, या ये बड़े सारे वहम आपको पता है सुपरस्टिशन से हमको बोलते हैं, वो नहीं, गुरुजी ने मना किया सख्त बड़ी सख्ती से। और दूसरा आपने पूछा नित नेम का, आपने बोला ना कि सुखमनी और जप जी और शिव पुराण तो हिंदी में है, सुखमनी जप जी ये जो दोनों है ये भी हिंदी में आपको मिल जाती है, वो लिखी हुई पंजाबी में होंगी, उसका प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में होगा, आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जो आप पंजाबी में प्रोनाउंस करते हैं वर्ड, पर वो लिखी हिंदी में होगी आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं खुद जब भी मेरे पास नितनेम पड़ी है बुक छोटी, वो हिंदी में लिखी हुई है, तो हमारा क्या वो फिर हमें पंजाबी तो आती है तो हम फिर आराम से पढ़ लगते, तो मिल सकती है आप अगर ट्राई करें, गुरुद्वारे जाए वहां मिल जाएगी आप। क्या नाम बताया आपने? सुखमनी, गुरुजी ने तीन पाठ बोले थे ना कि सुखमनी साहब पढ़िए और जप जी पढ़िए, सुखमनी जप जी और शिव पुराण बोला था ना गुरुजी ने, तो ये जो जप जी का पाठ होता है ये हिंदी में मिल जाएगा आपको, और सुखमनी भी आपको हिंदी में मिल जाएगी, आप गुरुद्वारे जाके चेक करें आपको मिल जाएगी, जहाँ भी आप रहते हैं वहां के जो गुरुद्वारे हैं ना वहां से आप वो, अगर आप नए भी होगी आप मांगोगे आपको ला देंगे वो, तो ये यही गुरुजी ने बोला था कि पढ़िए गुरुजी के लिए। और जप जी तो फर्स्ट थिंग, मेरी अभी रिसेंट एक कॉलेज की फ्रेंड है दिल्ली में रहती है, उन्होंने ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनको मतलब सिद्धारों को क्या बोला गया है कि जो गुरु नानक बाबा ने बोले थे कि तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारी आंख खुली
उस टाइम आपको ये भी नहीं कि तुम उठ के बैठो किसी पोजीशन में, ये करो वो करो, कुल्ला करो, नहाओ, कपड़े चेंज करो, नथिंग। कहते बस आंख खुली, आप जप जी का पाठ कीजिए। दैट वाज द फर्स्ट जाप जो गुरु नानक बाबा ने लिखा था, उनकी वाणी है ये। और वो बोलते थे कि जहां भी बैठे हो, जहां भी सो के उठे हो, या उसी टाइम पढ़िए। मतलब आपका पैर भी बेड से नहीं उतरा, आप पढ़िए वो। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप वहम मत कीजिए किसी भी चीज का। बस बहुत ही नॉर्मल वे से गुरु जी के लिए पाठ कीजिए, जो भी पाठ। शायद ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, ये चीज मैंने यहाँ डिस्कस की, क्योंकि मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिसका मुझे जवाब चाहिए। तो वही हाँ चीजें आप लोगों से मुझे सुनने को मिली है, तो मैं इस पे जरूर काम करूंगी। थैंक यू आंटी। आप प्लीज, थैंक यू सर। जय जय आंटी। आपको जय गुरुजी आंटी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। आंटी बस गुरुजी का लख लख शुक्राना। अभी जैसे रितिन अंकल ने वो शिवलिंग का सुनाया ना सत्संग, तो मैंने ये दरबार देख रही थी, और जो गुरुजी का व्हाइट स्वरूप लगा हुआ है ना वॉल पे, उसके साइड में देखो पूरी एक शेडो आ रही है, नीचे पूरे भोले बाबा त्रिशूल लेके खड़े हैं। तो जब अंकल ने बोला ना, तो मैं वही दर्शन कर रही थी गुरुजी के, और गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। बस आंटी शुक्राना शुक्राना, बहुत टाइम हो गया आंटी, अब आप लोग सो रहे हैं। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना।